Welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram, teaching you accountancy of class 12. Student, today I am going to solve a numerical question from TS Grewal 2019 edition. आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जो कि हमारा TS Grewal 2019 edition का है और क्वेश्चन नंबर है that is question number 18 from chapter number 4. क्या कहता है क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज नितिन तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। हमारे पास तीन पार्टनर है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि हमारे पास तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर कौन कौन है, नितिन, ये हमारा इन्फॉर्मेशन सेक्शन है जो कि क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन गिवन। वी आर हैविंग थ्री पार्टनर नितिन, अनदर इज तरुण एंड अमर, तरुण एंड अमर तीन पार्टनर है एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ये जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं दैट इज इक्वली, दैट इज 1:1:1 एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। और इन लोगों ने डिसाइड किया, यही तीन पार्टनर ने डिसाइड किया है, यही तीन पार्टनर है नितिन, तरुण एंड अमर, कि ये अब फ्यूचर में जो इन लोगों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी 2:1, 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। और ये कब से लागू हो रहा है विद इफेक्ट, ये जो न्यू जो इन लोगों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ये इस दिन से WEF means with effect from इस दिन से ये implementation में आएगा, लागू होगा। The extract of their balance sheet as at 31st of March 2019 is as follows. और इसी दिन same date क्या है, इन लोग का एक balance sheet का extract given है, balance sheet का extract यहाँ पे हम draw कर रहे हैं, that is ये हमारा balance sheet का एक extract है। क्या क्या गिवन है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे शॉर्ट में हम IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, दैट इज 60,000, ये हमारा रिजर्व है। ऑन द अदर हैंड हमारा असेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट वैल्यू दैट इज 4 लाख 4 लाख, यह है 4 लाख, ये हमारा एक स्ट्रैंड गिवन है। अब क्वेश्चन कहता है पास द जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस गिवन है क्वेश्चन में, उस सिचुएशंस को हमको फॉलो अप करके हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज When its market value is not given, जो पहला condition कहा है, ये तो हमारा extract हो गया, तो पहला जो हमारा condition given है, when market value is not, when market value is not given, when mark, when its means investment. पहला जो कंडीशन कहता है कि एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ इट मींस अर्लियर दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो ये है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जो कि हमने पहले आप लोगों को पढ़ा रखा है। सो एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ये जो इन्वेस्टमेंट था, इस इन्वेस्टमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, ये मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट वैल्यू था सेम वैल्यू हमारा मार्केट वैल्यू भी रहेगा। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये रिजर्व होता है और कोई भी रिजर्व जो रहते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व रहते हैं एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म वो पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये जो भी रिजर्व्स हैं ये हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस रिजर्व का अभी हमें कोई यूज नहीं है बिकॉज ये रिजर्व जो भी है ये पार्टनर्स लोग का है, सो दैट्स व्हाई इसे हम पार्टनर्स लोग में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हमारा जो जनरल एंट्री होगा, जो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस या कंडीशंस, सो कंडीशन नंबर 1 जो हमारा यहां पे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एंड द कंडीशन नंबर 1
जो हमारा कंडीशन नंबर वन है उसको हम सबसे पहले जर्नल एंट्री इसकी करेंगे। सो जर्नल एंट्री के लिए हमारे पास क्या जर्नल एंट्री है, चूंकि ये एक रिजर्व है और ये पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। व्हाट विल द अमाउंट, ये इंटायर अमाउंट, ये जो 60,000 है, ये 60,000 से हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किनको, किनको ये मिलेगा, तो ये जो हमारे तीन पार्टनर्स पहले से हैं, नितिन, तरुण एंड अमर, यही तीन पार्टनर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये तीन पार्टनर्स को ही हम ये अमाउंट देंगे। लेकिन किस रेशियो में देंगे, ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट ये जो अमाउंट होगा ये ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू अनदर इज तरुण, तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम तीन पार्टनर्स को, जो हमारे पार्टनर्स है, इन लोगों को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल को अंडरलाइन कर रखा है, क्यों अंडरलाइन किए कैपिटल को, बिकॉज ये कैपिटल अकाउंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे कैपिटल वर्ड की जगह पे हमें करंट वर्ड का यूज करना पड़ सकता है। सो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर वन जब हम पढ़ा रहे थे, दैट इज द इंट्रोडक्शन, और इस चैप्टर के लिए स्टार्टिंग में हमने बताया है कि जो हमारा मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल होता है वो दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है whether the partners are following the, means वो जो उनका जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का जो उनका तरीका है, whether fixed capital method है या fluctuating capital method है। तो क्वेश्चन में यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होते हैं रिगार्डिंग द मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही यूज करते हैं। तो यहाँ इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट यूज किया, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज का जिक्र करे कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके जो कैपिटल अकाउंट जो वो मेंटेन करते हैं यूजिंग द मेथड दैट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू नितिन्स करेंट अकाउंट, टू तरुण्स करेंट अकाउंट, टू अमर्स करेंट अकाउंट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसे अंडरलाइन कर दिया है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पार्टनर्स लोग को हमने क्रेडिट किया तो इनको कौन सा अमाउंट मिलेगा, क्या अमाउंट मिलेगा। सो लेट्स डू वर्किंग, यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट करके देखते हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स क्या है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था दैट इज 60,000 एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दैट इज 1:1:1, इट मींस इक्वली। सो ये जो 60,000 जो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे 1/3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मींस हर पार्टनर को इक्वल इक्वल मिलेगा, इट मींस 20,000, यानी कि एवरी पार्टनर, इच पार्टनर विल गेट 20,000 इन द शेयर। तो हमारा यहाँ जो अमाउंट होगा दैट विल बी 20,000 एंड 20,000। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसका नरेशन लिख देंगे, नरेशन हमें लिखना है बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड और ट्रांसफर्ड, जो मन है लिख देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट जो सिचुएशन है उस फर्स्ट सिचुएशन का ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा एक जर्नल एंट्री है, इसे आप एक जर्नल, जो हम क्लास 11th में हमने जर्नल का एक फॉर्मेट पढ़ रखा है उस फॉर्मेट में भी आप इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सो सिंपली जो हमारा जर्नल का जो फॉर्मेट है आपको याद होगा, दैट इज फॉर्मेट जो हम बनाएंगे दैट इज डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो एंड टू रेस्पेक्टिव अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा और ये क्रेडिट अमाउंट भी हो सकता है।
तो हम ऐसे भी फॉर्मेट को फॉलो अप करके इसे हम बना सकते हैं, दैट इज डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, हियर इट इज एलएफ लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसा हम एक क्या कर सकते हैं, आंसर अपना बना सकते हैं। सॉरी तो इसे नोट डाउन कीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम दूसरे जो सिचुएशन नंबर 2 है उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके,